देखिए, वो पार्टी लेवल की बात जो भी है, लेकिन ये इरफान अंसारी, हम जो आपको बोल रहे हैं कि हमारे समुदाय के जो महिलाओं को अपमानित करते आए हैं, तो ये अंदरूनी चीज को किसी ने देखा नहीं था। उनके पार्टी का जो भी गाइडलाइन हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो एक विधायक इस तरह आतंक मचाए हुए थे, हो सकता है उन महिलाओं की आवाज जो है हम तक आई। ऐसे विधायक उनको तो पार्टी से ही निष्कासित कर देना चाहिए। टिकट कैसे दे दिया हमको समझ में नहीं आया। डेमोग्राफी चेंज जो हुआ है, हो रहा है, और यहाँ के सरकार को इस विषय पर अभी तक एक भी जवाब नहीं दिए, कुछ बातें नहीं रखे, क्योंकि हम लोग भी पूछते रह गए। सरकार को जवाब देनी चाहिए जब हमारे समुदाय के लोगों के साथ इस तरह हो रहा है। हम लोग सरकार में आएंगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि नहीं तो आदिवासियों का जो अस्तित्व है, अस्तित्व ही मिट जाए। आदिवासियों को बचाना है तो अब भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है। देखिए, वो पार्टी लेवल की बात जो भी है, लेकिन ये इरफान अंसारी, हम जो आपको बोल रहे हैं कि हमारे समुदाय के जो महिलाओं को अपमानित करते आए हैं, तो ये अंदरूनी चीज को किसी ने देखा नहीं था कि कितने यहाँ के महिलाएं त्रस्त हैं। भले उनके पार्टी का जो भी गाइडलाइन हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो एक विधायक इस तरह आतंक मचाए हुए थे, हो सकता है उन महिलाओं की आवाज जो है हम तक आई, और चाहे भगवान की ये मानिए कि हमको यहाँ उन लोगों के लिए हमको आना पड़ा। ये हम भी नहीं जान रहे थे इतना कुछ ये कर रहे थे, तो हमारे समुदाय को बचाने के लिए ही हमको यहाँ आना पड़ा। और वो तो उनका आला कमान को सोचना चाहिए, आखिर एक उनका जो विधायक है, एक महिलाओं को इस तरह मतलब दरकिनार करते हुए और उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जो एक साड़ी बोला जाता है, दिन भर एक साड़ी के लिए घर में इंतजार कराते हैं, तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, और वो भी ऐसा साड़ी जो एक बार पहने तो उसका फिर इसको दोबारा नहीं पहन सकते हैं। तो हमारे समुदाय के लोगों को बस यही आदिवासी है भाई, ये लोग इतने में ही खुश हो जाते हैं, और इलेक्शन के समय इस्तेमाल करो बस। तो इसीलिए अब ऊपर वालों ने हमको भेजा है हमारे समुदाय को बचाने के लिए, और हम उनके साथ खड़े हैं। क्या किया जाए, जब सारी महिलाओं को वो मतलब जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, तो उनकी तो आदत ही हो चुकी थी। अब हमको भी उसी लाइन में गिनती कर लिए कि इनके साथ भी कर देंगे, और कर भी दिया। इतना अभद्र टिप्पणी जो हमारे समाज के ही नहीं, सभी समुदाय के वर्गों के महिलाओं के ऊपर लगा है चोट, और धरना प्रदर्शन भी हुआ है उनके घर पर। तो ऐसे विधायक उनको तो पार्टी से ही निष्कासित कर देना चाहिए। टिकट कैसे दे दिया हमको समझ में नहीं आया। तो अब जनता ने तय कर लिए हैं, पूरा जामतला के जनता, अब इनको चुनाव और वोट के माध्यम से करारा जवाब दिया जाएगा। इस बार सोरेन परिवार का एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि हम ज्यादा क्या बोलेंगे इस पर, आप लोग पूछिए। पार्टी अलग चीज है ना, वो परिवार है मेरा, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, आप लोग पूछिए। देखिए, ये भी तो एक आदिवासी समाज जो है कि अब आज खतरे में है पूरे तरह से। डेमोग्राफी चेंज जो हुआ है, हो रहा है, और यहाँ के सरकार को इस विषय पर अभी तक
एक भी जवाब नहीं दिए, कुछ बातें नहीं रखे, क्योंकि हम लोग भी पूछते रह गए। सरकार को जवाब देनी चाहिए जब हमारे समुदाय के लोगों के साथ इस तरह हो रहा है, बेटियों के साथ शादी रचाए जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग सरकार में आएंगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि नहीं तो आदिवासियों का जो अस्तित्व है, अस्तित्व ही मिट जाएगा। आदिवासियों को बचाना है तो अब भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।